नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए हम लोग डेली बेसिस पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्री कम मेंस दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट सभी सेगमेंट्स को डेली बेसिस पर टारगेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं। उस क्रम में कई सारी वीडियोज आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं और साथ ही उसके एक एक पेज का PDF डेली बेसिस पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है वीडियो के बाद। और इसी क्रम में आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सेशन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है जो ऐसे कोटेशंस का, उसमें देखिए आज की कोटेशंस को देखते हैं, आज की क्या कोटेशन आप लोगों को याद करनी है। देखिए, यहाँ पर एक मार्गरेट थैचर करके आप लोगों को पता ही होगा, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं मार्गरेट थैचर, उनका एक स्टेटमेंट है। वो आप लोग जो नारी पर जो भी निबंध आता है, स्पेशली अगर नारी सशक्तिकरण पे आए या फिर नारी से रिलेटेड कोई भी और ऐसा निबंध आता है, जहां पर भी उसमें आपको उपयुक्त प्रतीत हो वहां पर आप इस निबंध इस कोटेशन को जोड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोटेशन है कि एक स्त्री जो यह समझती है कि एक घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वह यह समझने के बहुत नजदीक है कि एक देश चलाने में क्या समस्याएं हैं। तो यानी एक स्त्री जो एक घर में सभी को मैनेज कर सकती है, सारे काम को मैनेज कर सकती है, वो देश को भी मैनेज कर सकती है। तो ऐसा जो है मार्गरेट थैचर जी का है और ये ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, शायद पहली यही थी। तो इन्होंने ही एक कहा है और आप इसको नारी पर जो भी निबंध आए उसमें आप लोग इस टॉपिक में इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो है उसमें आते हैं, जो इसको नीचे करिए, इसमें देखिए शुद्ध अशुद्ध पे हम लोग देखते हैं। डेली हम लोग 3 दिन के हिसाब से चल रहे हैं और जैसे ही आपका थोड़ा सा भी परीक्षा के होने की या नोटिफिकेशन की सुगबुगाहट आएगी कि अभी इतने दिन बाद नोटिफिकेशन आना है, ऐसी कोई भी न्यूज आएगी तो हम लोग इसकी संख्या और बढ़ाते जाएंगे। और जब फाइनली आपका पेपर होगा अप्रैल में जून में जब भी, तो उस समय तक हम लोग इसको सारी चीज़ें 5 से 6 किताबों से बेहतरीन तरीके से आपका सब कुछ कंपाइल हो चुका होगा, संकलित हो चुका होगा, आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, इसीलिए हमारा डेली बेसिस पर कराने का मकसद है। और देखिए अशुद्ध शुद्ध में देखते हैं तो ये है द्वारिका। द्वारिका जो है ये वास्तव में गलत लिखा है, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं यही द्वारिकाधीश या द्वारिका बोलते हैं, ये द्वारिका ना होकर द्वारका होता है। यानी यहाँ पे आर जो रा है, रा पे ई की मात्रा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा है जो कि हम लोग बोलते ये हैं तो इसलिए गलत करने की संभावना भी बनती है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोगों को इसको बखूबी याद रखना है। उसके बाद देखिए महत्व, ये हमारे ख्याल से PCS की परीक्षा में एक बार पूछा गया है महत्व, और इस पे ज्यादातर बच्चों ने लगभग, मतलब जितने भी मैं तो जिससे भी मिला सभी का लगभग ये प्रश्न जो है गलत था। महत्व ना हो करके यहाँ पे ता जो है वो 2 ता होता है, यानी कि ये आधा ता एक और भी इसके होता है तो ये महत्व हो जाता है। तो ये देखिए ता में एक डिफरेंस आ रहा है, अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो शायद समझ भी ना पाए कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक राहुल सांस्कृत्यायन ऐसे करके ये नाम मिलता है, ये आपके जो है राइटर हैं, स्पेशली ये जो है घुमक्कड़ी पे लिखते हैं, यानी जो आपकी यात्रा वृत्तांत होता है उस पर इनकी, मतलब उसके सबसे बड़े राइटर ये माने जाते हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन में दरअसल ये सांस्कृत्यायन नहीं है, कई लोग उसको संस्कृत से सांस्कृत्यायन बना देते हैं पर वो गलत है। आपको ये देखिए यहाँ पे आधा सा नहीं है, ये राहुल सांस्कृत्यायन है, तो राहुल सांस्कृत्यायन ना होकर राहुल सांस्कृत्यायन है। इधर ये महत्व में आधा ता भी है और द्वारका में ई की मात्रा नहीं है, हमेशा के लिए आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तब भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें याद हो रही होंगी, अगले दिन आपको सुबह के टाइम पर अगर जब PDF मिलेगा तो उसमें आप लोगों को और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को एक रिवीजन तो वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए तद्भव तत्सम में अगर हम लोग आते हैं तो देखिए कोहनी, कोहनी जो है कोहनी को बोलते हैं कफोड़ी, ठीक है, तो कोहनी का तत्सम हो जाएगा कफोड़ी, कफोड़ी बोलने में टफ था तो उसको हम लोग सरल करते करते कोहनी बोलने लगे। केकड़ा, केकड़ा को बोलते हैं करकट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केकड़ा को बोलते हैं करकट और उसी से मिलता जुलता होता है मरकट, ठीक है, तो केकड़ा को बोलते हैं करकट, मरकट बोलते हैं मकड़ा को, तो यानी केकड़ा मकड़ा दोनों मिलता जुलता है, इधर करकट मरकट दोनों मिलता जुलता है, का इधर माँ हो गया, यहाँ पे का माँ हो गया, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, इसको और ऊपर कीजिए। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो आज हम लोग को पढ़ना है वो दरअसल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है,
अक्सर ये सभी पेपर में आ चुके हैं। तो देखिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, यानी कि जित प्लस इंद्रिय, तो जितेंद्रिय बन गया जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। लेकिन अगर आता है कि जिसने इंद्र को जीता हो, तो जिसने इंद्र को जीता हो वो हो जाता है इंद्रजीत, ठीक है, मेघनाद या इंद्रजीत जो है वो जिसने इंद्र को जीता हो वो हो गया। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय, ठीक है। तो ये तीन वर्ड हैं, आप लोगों को इसका डिफरेंस याद रखना है, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय और इंद्रजीत। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अतीन्द्रिय मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, और इंद्रजीत मतलब जिसने इंद्र को जीता हो। यहाँ पे इंद्रिय को से संबंधित नहीं है, ये इंद्र से संबंधित है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए शब्द और विलोम, विलोम शब्द के स्तर पर देखें तो एक आपका वर्ड है वर्तमान, वर्तमान आपको प्रेजेंट जो होता है वही, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा निवर्तमान, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन में प्रधानमंत्री बदल गए, तो प्रधानमंत्री जब बदल गए तो जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो अब वास्तव में प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो उनको बोला जाता है निवर्तमान। मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री चूंकि चुनाव हो गया तो वो तो बदल गए, लेकिन अभी वो जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे वो चूंकि अपना पद संभाले हुए हैं तो उनको हम लोग निवर्तमान तब तक के लिए बोलते हैं। तो वर्तमान का उल्टा हो जाएगा निवर्तमान, ठीक है। उसके बाद देखिए संन्यास, संन्यास का विपरीत हो जाएगा गार्हस्थ्य, ठीक है, ये टफ वर्ड है आप लोग इसको याद रखिएगा, संन्यास का विपरीत हो जाएगा गार्हस्थ्य। ईशान, ईशान वास्तव में एक दिशा होती है, ईशान का उल्टा हो जाएगा नैऋत्य, नैऋत्य। देखिए यहाँ पे री कैसे बनाए ये आपको ध्यान रखना है, नैऋत्य ईशान का उल्टा हो जाएगा, दोनों दिशा का स्थान है और जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच वाली जो दिशाएं होती हैं वो होता है आपका ईशान और नैऋत्य। उसके बाद देखिए पर्यायवाची, आज मैंने डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके बल्कि उनको लिखा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो कई कई बार ऐसी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब उसमें देखिए पय, सबसे पहले आता है पय, पय जो है देखिए पानी को भी बोलते हैं और दूध को भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पय पानी को भी बोलते हैं और दूध को भी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पीयूष, पीयूष जो है वो अमृत को भी बोलते हैं, अमृत आप लोगों को पता होगा, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो पीयूष को अमृत को भी बोलते हैं, लेकिन पीयूष दूध को भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूध जो है ये पय से, पय का मतलब दूध होता है, तो वैसे ही पय से पीयूष बन गया, पीयूष का मतलब भी दूध हो गया। उसके बाद देखिए एक होता है जलद, जलद मतलब बादल, ठीक है, एक होता है जलद, जलद का मतलब बादल, लेकिन एक होता है जलधि, जलधि का मतलब होता है समुद्र। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा ये तो सरल है मेरे लिए, लेकिन अभी हो सकता है आधे घंटे बाद फिर से आप लोगों को ये सब हटा के पूछ लिया जाए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो ही जाएं। तो जलद का मतलब बादल, जलद का मतलब समुद्र, पीयूष का मतलब अमृत, पीयूष का मतलब दूध, और पय का मतलब पानी, पय का मतलब दुग्ध या दूध। तो ये आपको कंफ्यूजिंग वाले को ज्यादा ध्यान से याद रखना है। उसके बाद देखिए बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां की। तो मुहावरे और लोकोक्तियां में सबसे पहला हो गया दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता जहां पे होती है उसको बोलते हैं दांत काटी रोटी, ठीक है। तो दांत काटी रोटी अगेन आपका पेपर में पूछा जा चुका है पीसीएस की परीक्षा में, तो दांत काटी रोटी आपका घनिष्ठ मित्रता हो गया। इसी प्रकार देखिए आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसको बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख होते हुए भी और धनवान होना, मतलब कोई व्यक्ति बहुत धनवान है पर उसमें दिमाग से वो खाली है, मतलब पैसा तो बहुत भरा है पर दिमाग से खाली है, उसको बोलते हैं आंख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका देखिए चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना, जब भी चींटी आपको जो कुछ चींटियां होती हैं जो उड़ने लगती हैं आपको ऐसा दिखता होगा, तो चींटी के जब पर निकलते हैं तो वो जो है उसका मतलब आप समझ जाइए कि वो अब उसके जो जीवन काल है वो समाप्त प्राय है, और चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना। तो तीन मुहावरे, पहला दांत काटी रोटी मतलब आपका दोस्त आपके साथ जो खाना खा रहा है तो वो आप मतलब आपके साथी में आपकी थाली में ही खाना खा रहा है तो दांत काटी रोटी वो हो गया, घनिष्ठ मित्रता है आप लोगों में। आंख के अंधे गांठ के पूरे का मतलब होता है मूर्ख होते हुए बहुत धनवान होना, और चींटी के पल निकलना का मतलब नष्ट होने के करीब होना। अगला देखते हैं लास्ट, हमारा जो सेशन लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रशासनिक शब्दावली, आपकी मेंस परीक्षा में पूछा जाता है 20 नंबर का।
तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइपिंग, टाइपिंग आपको पता है जो आपकी टंकड़ प्रतियोगिता होती है, टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग जो है वो उसका मतलब होता है टंकड़, ठीक है, टंकड़ का मतलब टाइपिंग, ठीक। उसके बाद देखिए क्वारंटाइन, क्वारंटाइन एक ऐसा शब्द है जो कि आपका कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था, अचानक से सबकी जुबान पर यही शब्द आ गया था, जबकि हो सकता है कि उसके कोरोना के मतलब 2019 तक शायद ही बहुत कम लोग उसको जानते थे, परंतु 2020 में वो इतना फेमस हो गया कि आप वर्ड ऑफ द ईयर उसको कह सकते हैं। तो क्वारंटाइन का हिंदी में होता है संगरोध, संगरोध, बाकी क्वारंटाइन का मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब होता है संगरोध, मतलब किसी के साथ में रहने को जब रोका जाए तो संगरोध उससे बन गया। अगला देखिए कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट मतलब जहां पे कलेक्टर बैठता है उसको कलेक्ट्रेट बोल देते हैं, तो कलेक्ट्रेट का होता है समाहर्तालय, समाहर्तालय, ठीक है, समाहर्ता होता है कलेक्टर, और उसका जो आलय होता है, आगार होता है, घर होता है, उसको बोलते हैं समाहर्तालय, यानी घर का मतलब यहाँ पर उसके ऑफिस है कि समाहर्तालय यानी कलेक्ट्रेट। तो ये आपका आज का सेशन रहा जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें आज के हिसाब से देखें कि तीन तीन के हिसाब से सब लोग हम लोग डेली बेसिस पर करते हुए चल रहे हैं, और जैसे बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है वैसे ही हम लोग की धीरे धीरे आप इसी में अगर लगे रहेंगे, आप वीडियोस देखते रहेंगे और एक पेज का केवल नोट्स आप उसको डेली बेसिस पर कवर करते हुए चलेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी ये एक समग्र तैयारी आपकी परीक्षा के पहले पहले लगभग 1 से 2 महीने पहले आपके सभी विषयों की समग्र तैयारी सभी टॉपिक्स की हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।